साथियों, अगर सब्जी पनीर की हो तो देखते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। अक्सर लोग जब घर से बाहर किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबका पसंदीदा पनीर नकली है? क्यों, उड़ गए ना होश? आप जो पनीर खा रहे हैं वो नकली है और उस पनीर को खाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। सड़क पर लगा ठेला हो या फिर 5-स्टार होटल, सभी जगह नकली पनीर पहुंच गया है और लोग बहुत ही चाव और स्वाद के साथ इसे खा रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि पनीर को दूध से बनाया जाता है और इसे खाना सेहत के लिए बेहद हेल्दी माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप जो पनीर खा रहे हो वो असली है या नकली? कहीं आप भी तो नकली पनीर नहीं खा रहे? नकली पनीर आपके ऑर्गन्स तो खिल नहीं कर रहा? पनीर सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? अगर मिलावटी पनीर खाया तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा? पनीर में मिलावट कैसे की जाती है? और सबसे जरूरी, आखिर मिलावटी पनीर की पहचान क्यों नहीं हो पाती? और सबसे अहम सवाल, मिलावटी पनीर की पहचान कैसे की जाती है? साथियों, क्योंकि पनीर हम भी खाते हैं और आप भी, ऐसे में जब मिलावटी चीजों की बात आती है तो सबसे पहले हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, आज भी करेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा दावा है कि जिंदगी में कोई कितना ही मिलावटखोर क्यों ना हो, आपको मिलावटी पनीर नहीं खिलाएगा, क्योंकि पनीर हम आप सभी खाते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को आज शुरू से लेकर अंत तक देखना सभी के लिए जरूरी है। साथियों, आप जो पनीर खा रहे हैं वो असली है या नकली, आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए? उसकी पहचान करने का सबसे पहला जो तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए। आपके घर में जब भी फंक्शन होगा उसमें पनीर की सब्जी और पनीर से बने आइटम जरूर होंगे, तो इसे ध्यान से देखिए। असली और नकली पनीर को पहचानने का सबसे पहला तरीका है पनीर को मसल कर देखना। अगर पनीर आपके हाथ से टूट कर बिखरने लगे तो समझ लें कि पनीर नकली है। अगर पनीर आपके हाथ से टूटकर बिखरने लगे तो समझ लें कि पनीर नकली है, क्योंकि इसमें मौजूद स्कीम्ड मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता है और असली पनीर कभी नहीं टूटेगा। देखिए कितना आसान तरीका है। अब हम आपको असली और नकली पनीर पहचानने का अगला तरीका बताते हैं। साथियों, आप जो पनीर खा रहे हैं अगर वो सॉफ्ट है तो समझ लीजिए कि पनीर असली है, लेकिन अगर आपका पनीर टाइट है, खाते समय रबड़ की तरह खिंच रहा है, तो आप तुरंत पनीर को वहीं का वहीं छोड़ दें, क्योंकि ये नकली पनीर है। साथियों, अब हम आपको असली और नकली पनीर को पहचानने का अगला तरीका बताते हैं। इसके लिए आप पनीर को पानी में उबालें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें अरहर की दाल या सोयाबीन का पाउडर डालकर देख लें। अगर पनीर का रंग ज्यों का त्यों रहा तो पनीर असली है और अगर पनीर का रंग काला पड़ जाए तो समझ जाएं कि पनीर नकली है। दोस्तों, असली और नकली पनीर को पहचानने का जो अगला तरीका है वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें। अब इसमें कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालिए। अब आपको ये देखना है कि कहीं पनीर का रंग तो नहीं बदल रहा, क्योंकि असली पनीर का रंग कभी नहीं बदलता। और अगर आपके पनीर का रंग नीला या काला पड़ गया है तो आपको इसे खाने से बचना होगा, क्योंकि ये नकली पनीर है और आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। साथियों, आपको नकली पनीर का सेवन करने से बचना है, क्योंकि नकली पनीर एक नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों की वजह है। अगर आप नकली पनीर का सेवन करेंगे तो आपको पेट दर्द, सिर दर्द, पीलिया, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही नकली पनीर में मौजूद केमिकल किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। नकली पनीर खाने से फूड पॉइजनिंग, कब्ज, उल्टी जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं और कुछ लोगों को नकली पनीर खाने से स्किन एलर्जी होने का भी खतरा देखा गया है। साथियों, ये वो आसान तरीके हैं जिससे आप असली और मिलावटी पनीर की आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगली बार जब आप घर में पनीर लाएं या किसी होटल में पनीर का ऑर्डर दें तो एक बार पनीर की जांच जरूर करें, ताकि आप मिलावटखोरों के शिकार न बन पाएं, क्योंकि सवाल आपकी और आपके परिवार दोनों की सेहत का है। ऐसे में आपको नकली पनीर की पहचान कैसे करनी है, वो तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकल स्पीकिंग को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।